Hey guys, welcome back with a new video. This is Sourcess Wale Kenny, we're watching Africa with your brother YouTube channel. So guys, अभी हम लोग हैं चंदन नगर में और अभी जो है चंदन नगर में इस टाइम पे बहुत ही जोरों शोर से जगह यात्री पूजा हो रहा है गाइज। तो सभी इसीलिए आप गाइज देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं भी आया हूँ जगह यात्री पूजा के लिए चंदन नगर, और ये अमित इसका घर चंदन नगर में, तो मैं भी इसके घर के पास रुका हूँ और आज मैं घूमूंगा पूरा चंदन नगर। और यहाँ पर बहुत सारे पंडाल है, बहुत सारे जगह है जहाँ पर बहुत ही फेमस जगह यात्री पूजा होता है, उनमें से पालपाड़ा एक है। तो अभी हम लोग इस गेट के सामने खड़ा है, अब पालपाड़ा जाने के लिए हमें यहाँ से जाना होगा। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है चंदन नगर जो है लाइटिंग के लिए फेमस है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत तरह की लेटेस्ट डिज़ाइन लाइटों की मिल जाएंगी, सही ना। और हमें क्या क्या मिल जाएगी भाई, बहुत से वैरायटी। अमित जो है यहाँ का लोकल लड़का है, इसीलिए मैं अमित के साथ घूम रहा हूँ, क्योंकि इसे जो है हर जगह के बारे में पूरा पता है, हर रास्ते के बारे में पता है, ताकि मैं घूमना हो जाऊँ, इसीलिए इसको मैं साथ में लेके जा रहा हूँ। तो अमित हमें कहाँ कहाँ लेके जाएगा? तो भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा कि उस काउंटर पर तरह तरह के आइटम के अचार रखे हुए थे, देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था। लेटेस्ट डिजाइन की लाइटिंग मिल जाएगी गाइस, आप इधर भी देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड में। जैसा कि गाइस देख सकते हो काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, जैसा कि हम लोगों के वहाँ आसनसोल में दुर्गा पूजा में भीड़ होता है जनरली, उसी तरह उससे कहीं ज़्यादा चंदन नगर में जगदात्री पूजा के लिए भीड़ है।
ये सबसे पुराना जगदात्री पूजा है चंदन, लगभग 350 साल पुराना ये पूजा है। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 9 बजे पिछले रात को हम लोगों ने इतना घूमा था चंदन नगर, सो गाइस बहुत टायर्ड हो गया था और सो के उठने में काफ़ी लेट हो गया है। और पिछले रात को क्या हुआ था कि मेरा बैटरी बहुत डाउन हो गया था कैमरे का, इस वजह से कि ज़्यादा शूट हम लोग कर नहीं पाए और इतना टायर्ड हो गया था कि रात को फिर उठ के हम लोग जा नहीं पाए गाइस, सो इसीलिए रात भर सोया और सुबह उठने में काफ़ी लेट हो चुका है। तो अभी हम लोग चंदन नगर के कोई किसी रोड पर है, कहाँ पर हम लोग लक्की हाँ जो भी है बोला वहीं पर ही हम लोग फिलहाल हम लोग घूमेंगे। अभी मैं गाइस आप लोगों को फिर मैं चंदन नगर घुमाऊँगा दिन में, कुछ खास जगह पे मैं आपको लेके जाऊँगा जहाँ से चंदन नगर देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस पोजीशन के लिए तैयार है। तो गाइस कल जो है नवमी था जगदात्री पूजा का और आज दशमी है, आज विसर्जन होगा। विसर्जन पोजिशन तो आज बोल रहा है कि पोजिशन है, पता नहीं पोजिशन क्या है। पोजिशन मतलब तो विसर्जन होगा ना आज, विसर्जन कल होगा। अच्छा विसर्जन कल होगा, आज जो है पोजीशन है, पोजीशन का पता मतलब मुझे नहीं पता। ठाकुर को लेके, अच्छा अच्छा ठाकुर जो मूर्ति है उसको लेके हम लोग राउंड एंड राउंड किया जाता है, तो विद लाइटिंग के साथ लाइटिंग का ट्रक रहता है, मतलब ये रहता है और रोड पे इसे मतलब घुमाया जाता है, हर पंडाल को किया जाता है, हर पंडाल का जिसको मतलब मिलता है परमिशन वही घुमा, मतलब जिस पंडाल या जिस क्लब को परमिशन मिलता है आप देख सकते हो इस तरह से जो है मतलब हर रास्ते पे घुमाया जाता है, जिस क्लब या जिस मंदिर को यहाँ पर परमिशन मिलता है वो लोग अपनी मूर्ति को ऐसे रोड पे घुमा सकते हैं, इसे ये लोग पोजीशन कहते हैं। और विसर्जन जो है वो कल होगा जिस वजह से यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है, पोजीशन है आज। अरे ये जी ट्रक देख रहे हो, ये ट्रक ये लाइटिंग ट्रक है, रात को समझ में आएगा जिसने जो मैं आपको पिछले रात को दिखाया था, एक एक ट्रक में एक एक डिज़ाइन है लाइटिंग का, तो वो सिर्फ और सिर्फ रात को ही समझ में आता है कि इसमें क्या डिज़ाइन है, क्योंकि रात में जो सारे LEDs जलने लगते हैं। ये भी जो है पोजीशन के लिए रेडी हो गया है ना, इसका भी पोजीशन होगा, काफ़ी बड़ा है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी जो है पोजीशन स्टार्ट नहीं हुआ, फिर भी इतना जैम हो गया है चंदन नगर में, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि शाम के टाइम में क्या होगा जब सारे क्लब अपने अपने प्रतिमा ठाकुर लेके निकलेंगे जगदात्री पूजा में। पीछे से भी एक पोजीशन आ रहा है, सबसे हम लोग निकलना होगा नहीं तो फिर हम लोग जैम में फंस जाएंगे, तो अभी से ऐसा हालत है शाम को तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ मुश्किल, शाम को बाइक लेकर हम लोग निकल पाए नहीं, तो बहुत बड़ा एरिया है। कल तो पैदल चलते चलते मेरा हालत ख़राब हो गया, कल मैंने इतना पैदल चला गया उतने पिछले 2 महीने में मैंने उतना पैदल नहीं चला होगा, कल मैंने एक रात में जितना पैदल चला, ऊपर से कैमरा का बैटरी भी डाउन हो गया था, तो मैंने जितना हो सका है कोशिश किया मैं रिकॉर्ड कर पाया और बाकी इतने हो नहीं पाया। तो गाइस मेरे राइट साइड में जो आप ये तालाब देख पा रहे हो या क्या बोलते हो जो पानी का जगह देख पा रहे हो, तालाब जो भी है इसका नाम है लाल डिगी धार, ये यहाँ का काफ़ी फेमस है। और एक जगह यहाँ का काफ़ी फेमस है वो है हेलापुर, से जाएंगे। यही मानकुंडो, ये मानकुंडो तो वो पहुंच गए हैं, इस पंडाल को हम लोग को देखना रहा। सो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यही है फेमस मानकुंडो, सही बोले ना, इसका थीम कुछ भूतिया टाइप का लग रहा है, काला जादू ब्लैक मैजिक रिलेटेड और काफी खूबसूरत लग रहा है गाइस, आप देख सकते हो मैं आपको दिखा। We'll be right back.
गाइस ये था मान कुंडो। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे नेक्स्ट? नेक्स्ट हम लोग ज्योति मोड़। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अब ज्योति मोड़ पर। अब जैसे ये ठाकुर अभी 7 बजे निकला है शाम को, यहाँ से निकलेगा 7 बजे राउंड में, तो इसको सुबह मैंने रिटर्न आते आते इसको सुबह 3 या 4 बज जाएगा, तो सुबह तो ही जाता है फिर, मतलब भोर को विसर्जन हो जाएगा। तब तक ये लोग घूमते रहेगा। इनके साथ जो लोग है वो भी घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। वो लोग टायर्ड नहीं हो, मतलब परेशान थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते, थक नहीं जाता है। साल का एंजॉय का दिन है, बछड़ा एक बार टाइम मैंने यार कुछ नहीं, एंजॉय का दिन है आज। और आओ हमारे यहाँ क्या होता है कि शाम के टाइम निकलता है और रात में विसर्जन हो जाता है रात तक, मगर यहाँ पर केस ऐसा है कि ये लोग दोपहर को निकला है, दोपहर को मतलब शाम को निकलेगा, शाम को निकलेगा मतलब दोपहर से तैयारी चालू है, सुबह से तैयारी, ठीक है, सुबह से तैयारी चालू है और दोपहर मतलब अब तक खोल भी लिया, शाम को निकलेगा और रात भर घूमेगा। इधर भी देख रहे हो गाइस एक कमाल का पैंडल है। तो रात भर घूमने के बाद कल सुबह को विसर्जन होगा हेलापुकुर में, हेलापुकुर में लाल डिगी में। नेक्स्ट ईयर मैं ट्राई करूंगा 1-2 दिन पहले आने का, और अमित मुझे फिर जो है पूरा जगन्नाथ पूजा घुमाएगा।